खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर और इस वक्त हम पहुँचे हैं दिल्ली के दरियागंज में, जहाँ पर संडे बुक मार्केट लगता है। आपको पता है कि यहाँ पर संडे बुक मार्केट में, जो कि दिल्ली में है, गोलचा से लेकर के गोलचा सिनेमा से लेकर डिलाइट सिनेमा तक लगता है और ये वीकली मार्केट है। अब जो है यह संडे मार्केट बंद हो गया है, चूँकि एक आदेश हाईकोर्ट का आया जो कि ट्रैफिक पुलिस की याचिका थी, जिस पे कहा गया था कि ट्रैफिक की समस्याओं से जूझना पड़ता है यहाँ के लोगों को। तो इस वक्त इसीलिए जो है इस ट्रैफिक पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दुकानें बंद कर दी जाएं, और इस दुकानों को बंद करने के आदेश के क्रम में ही यहाँ पर संडे बुक मार्केट, जो पटरी पर लगा करता था, जहाँ पर साहित्यकारों की किताबें मिलती थी, जहाँ दुर्लभ से दुर्लभ किताबें मिलती थी और सस्ती किताबें मिलती थी, उस मार्केट को बंद कर दिया गया। यहीं पर हम पहुँचे हुए हैं। आइए जानते हैं कि इन दुकानों के बंद होने से रोज़गार का जो संकट पैदा हुआ है वो किस तरीके से उनको झेलना पड़ रहा है यहाँ के व्यापारियों को। आइए उनसे बात करते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है, हम यहाँ तक 50 साल से यहाँ बैठे थे, हम यहीं बैठना चाहते हैं। तो जो भी अगर गवर्नमेंट करती है हमारे लिए, तो जो भी लीगल हो वो हमारे लिए किया जाए। ये अभी कुछ दुकानें लगी हुई हैं, ये चोरी छिपे लगी हुई हैं। एक्चुअली सुबह मार्केट MCT आती है हमारा माल उठाने के लिए, तो तब हम चले जाते हैं, और जब वो गाड़ी चली जाती है तब हम आके लगा लेते हैं। अच्छा, तो क्या करें, काम तो करना है ना। कुछ बुक परचेज करने के लिए आए हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं काफ़ी बंद पड़ी हुई मार्केट, तो आपको क्या लग रहा है? बहुत दुख हो रहा है। 4 बार से स्टूडेंट्स के जितने एक्सपेक्टेशन हैं वो शायद पूरे नहीं हो पाए। आप भी स्टूडेंट ही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मुखर्जी नगर से आए। इससे कोई दिक्कत नहीं थी, जो बुक लवर है उसके लिए तो बहुत अच्छा था, इट वॉज लाइक ए पैराडाइज। लेकिन फिर अभी देखो कि बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, मुझे तो डिसीजन समझ नहीं आया। एक ही दिन लगता था, तो कुछ सब लोगों का, सब लोगों का फायदा हो रहा था इसमें, तो ठीक है, अच्छा था। ये आपका नाम क्या है? पंकज अग्रवाल। किस नाम से आप चलाते हैं? अग्रवाल बुक सेंटर के नाम से। अच्छा, बुक मार्केट भी हम लोगों के तो 45 साल से हमारे घर वाले जो सब लगा रहे थे बाजार को, और अब इसको उठा दिया गया है बिना किसी लीगल नोटिस के। और हम उनसे कहते हैं कि हमारे को कोई ऑर्डर दिखाओ, तो वो कहते हैं कि हमारे DC मैडम के ऑर्डर है, हमारे DC मैडम के ऑर्डर है, और हमें कोई, हम आपको दिखाने के लिए वो नहीं है, आप पटरी पे लगाने वाले एक छोटे दुकानदार हो, आपको दिखाने का हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। हम उनको बोलते हैं कि हम उनको कि हाई कोर्ट से हमारे को कोई, जो आप कह रहे हो कि हाई कोर्ट ने अगर हमारे को हटाने के लिए परमिशन दी आपको, तो आप हमें वो ऑर्डर दिखा दो, वो उसके लिए नहीं है, पुलिस जो है वो उनका साथ दे रही है। हमने उनके, और दूसरा, इसलिए 2014 में एक कानून आया था जो 15 अप्रैल 2019 को लागू हो गया दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से, कि वेंडर, किसी भी वेंडर को अगर दिल्ली में से आप उठाते हैं तो उसको आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, प्लस उसको पहले कोई जगह दे के फिर, और ये जो काम है सारा TVC मेंबर करेंगे, लेकिन MCD अपनी मनमानी करते हुए, अपनी गुंडागर्दी करते हुए सिर्फ गरीबों पे जुल्म घा रही है। उनको ये लगता है कि 5 लाख वेंडर है दिल्ली के अंदर, TVC के आने तक इतने बंदों को खदेड़ दिया जाएगा तो 5,000 रह जाएंगे, उनका काम ईजी हो जाएगा। वो सिर्फ जुल्म ढा रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या परेशानी अब आ गई आपको? रोजगार जिस तरीके से छिन गया आप, सारी सब कुछ ही, सारे काम धंधे सब कुछ रुक गया है, कमेटियाँ है, घर के खर्चे है, सारी चीज़ें हैं। लोगों के रोजगार छिन गए? 276 लोग, हम जो है 276 वेंडर जो है वो बिल्कुल परमानेंटली हमारे पास में लीगल, सारे 9 साल से 10 साल से हमारे पास में MCD लीगल पर्ची काट रही थी, जो कि अपनी पर्ची को भी मानने से इनकार कर रही है। तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट, जबकि हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स है, हमारे ये भी नहीं कि हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, MCD की लीगल पर्ची है जो तय बाजार की, वो पर्ची काटती थी। ये कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप तीन जगहों को दिया गया है कि उसमें से आप चूज करके वहाँ पे दुकान, हमारे को जगह दी थी रामलीला मैदान, जहाँ पे एक साल के अंदर आधे साल सिर्फ रामलीला होती है या फिर कोई भी किसी भी नेताओं की रैलियाँ होती है, जिसके अंदर हमारी कोई औकात नहीं है। हमारे को दिया गया घटा मस्जिद का पार्क, जहाँ पे सिर्फ समैकी और चर्सी, जहाँ पे, जबकि ये जो सरस्वती है माता, जो अभी ये बुक्स है, इसको हम कहीं भी ले जाके नहीं बेच सकते। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा बाज़ार लगता है कि मतलब इस बुक्स को आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो जो बुक्स नहीं मिलती, खुद वेदिका रेड्डी जो है, खुद मैं DC, उन्होंने खुद ये बोला कि मैंने खुद यहाँ से किताबें परचेज़ करी है। रामचंद्र गुहा जी है, उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल कर रखी है हाई कोर्ट के अंदर, ऑनलाइन पिटीशन के लिए डाल रखा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ इस टाइम क्या है कि MCD ने बिल्कुल अपनी गुंडागर्दी करके और हमारे को हटा रखा है। उन्होंने हमारे को जगह दी, हमने उनको बोला कि बाल भवन, उन्होंने हमारे को जगह दिखाई, उन्होंने बोल भी दिया कि बाल भवन के बाहर के जो है वो हमने उनके लिए राजी भी हो गए, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के मात्र डिफरेंस में उन्होंने हमारे को, DC मैडम ने हमारे को मना कर दिया कि नहीं, ये जगह हम आपको नहीं दे सकते, ये PWD के अंदर आती है। जो कहते हैं ना कि अभी सुपर 30 एक फिल्म आई थी,
एक सुपर 30 फिल्म आई थी जिसके अंदर ऋतिक रोशन की थी, वो भी कबाड़ी से किताबें खरीद के बच्चों को पढ़ाता है और सुपर 30 बनाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गरीब बच्चे कहाँ से इतनी महंगी महंगी किताबें होती है, वो कैसे किताबें खरीदेगा जहाँ उसको 1000 रुपये की किताब यहाँ पे उसे 200 रुपये में 300 रुपये में मिल जाती है? या हमारी तरफ से क्या दिक्कत परेशानी है MCD को कि वो हमारे को बाजार को उठा दिया? शराब बिक रही है, गुटखे बिक रहे हैं, उससे गलत चीज़ है क्या ये? क्या ये उससे गलत चीज़ है? यहाँ बताया गया ट्रैफिक की दिक्कत होती है। ट्रैफिक की दिक्कत जो होती है वो कबाड़ी बाजार की वजह से होती थी, जिसका नोटिस हाई कोर्ट का आया था और उसी जजमेंट को लेके MCD ने हमारे को मोहरा बना के हम लोगों को भी हटा दिया। हमारी तो पटरी के ऊपर लगती है, हमारी तो ट्रैफिक से कोई दिक्कत ही नहीं है। हम दिलशाद गार्डन से आए हैं, ये मार्केट मतलब हमने बहुत सुना है कि यहाँ पर बाहर की साइड लगती है, काफ़ी सही रेट्स में मिलते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमने 4 घंटे लगा चुके हैं लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। नहीं, बंद हो गई है मार्केट, बंद हो गई है, सब हटा दिए, बता रहे हैं कि जो पुलिस वगैरह है उन्हें यहाँ से हटा रही है। हमें नहीं पता था, हमें आज ही पता चला है यहाँ पर आने के बाद। आपका नाम क्या है? मेरा महेश नाम है सर। कितने दिनों से आप यहाँ पे बुक मार्केट लगा? मैं इसी जगह 32 साल हो गए मुझे। 32 साल हो गए। 50 साल पुरानी मार्केट है और ये बंद हो गई है। बहुत ऐतिहासिक बाजार है, ये बहुत ऐतिहासिक बाजार है। यहाँ पे मैंने कुशवंत सिंह को देखा है किताब खरीदते हुए। तो उस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से परेशानी आप लोगों को? परेशानी जो है भाई साहब, अब क्या होता है, परेशानी 6 घंटे से बाजार नहीं लग रहा। हमारा हेरिटेज बाजार है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जी, जब इस बाजार को हटाया जाए, इनको बैकलिफ्ट जगह दी जाए। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, MCD वाले हमें परेशान कर रहे हैं। कोई एक दिन का हमारा काम है, हमने सुबह लगाना था, शाम को चले जाते हैं, 5-6 बजे लगा लेके चले जाते हैं। ग्राहक बहुत परेशान हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। गरीब आदमी बेचारा, गरीब आदमी का बच्चा जो 200 रुपये किताब है उसे 50 रुपये मिल रही है, 500 किताब उसे 150 रुपये मिल रही है, क्या करेगा? तो कैसे आप लोग अब खर्च चला रहे हैं? घर क्या चला रहे हैं? घर पर जो थोड़ी बहुत 10-20 हज़ार की पूंजी थी वो ख़त्म कर दी। अब थोड़ा बहुत 200-400-500 रुपये का किताब बिकता है, अब वो चले जाते हैं MCD वाले, उसके बाद लगा लेते हैं थोड़ा बहुत घर का खर्चा। तब क्या करें, कैसे खर्चा चला रहे हैं हम, क्या करें? दो लड़कियां हैं, एक लड़का है मेरा, पढ़ा रहा हूं उन्हें, अब क्या पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं। बन नहीं होने चाहिए। वसीउद्दीन। कितने दिनों से आप लगाते हैं? सर मेरी जो है लगभग 41 साल की उम्र हो गई है। मेरे दादा भी इसी ही ठेल लगाते थे, तीसरी पीढ़ी हूँ मैं। क्या संकट पैदा हुआ है? सर परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। कैसे खर्च चल रहा है? सर जो था जमा जुगड़ी या उधार लेके जैसा चल लिया है, अभी थोड़ा सा माल लगा के बैठे हैं, कुछ हो जाए बहुत दिक्कत में है। क्या आपका नाम क्या है और क्या कितने दिनों से लगाते हैं? हम तो करीब 10 साल से लगा रहे हैं। आज हमारा नाम है राम इकबाल सिंह, हम 10 साल से लगा रहे हैं। मगर अभी 2 महीने से प्रॉब्लम है कि हम लगा नहीं रहे हैं, हमें लगाने दिया नहीं जा रहा। मार्केट लगाते हैं, हमारे MCD और पुलिस और कुछ ऐसी फैसला है कोर्ट की, उस वजह से हम नहीं लगा रहे हैं। करीब 2 महीना होने जा रहा है, तो हम लोग तो बुक ही बेचते हैं, कोई अनलीगल चीज़ तो बेचते नहीं है। इसमें हम लोग की भी परेशानी 2 महीने से हो रहा, आने जाने वाले स्टूडेंट की हो रहा, और कितने गरीब आदमी इसमें किस रहा मर रहा है। किसी का घर में तो ऐसा है स्थिति आ गया है कि हम लोग से सारे संडे बुक बाज़ार लगाने वाले जुड़े हुए हैं, सबको एक दूसरे को जानते हैं। कितने के घर में ऐसा है कि रोटी नहीं बन रहा है, रोटी बनाने के लायक नहीं है, उनके घर की यह स्थिति है। क्योंकि वो कुछ लोग इस पे आश्रित थे, कमा के ले जाते थे तो उनके बच्चे खाते थे, रोटी बनता था, दुनियादारी जो भी होता था, पर वो आज इतना मजबूर हैं कि उनके घर में रोटी नहीं बन रही है। और साथ में ये था कि स्टूडेंट तो यहाँ इस वजह से आते हैं कि मार्केट में जो किताब अगर 100 रुपये की मिल रही है तो यहाँ 30 रुपये की मिल रही है, 40 रुपये की मिल रही है। हैं, जो किताब मार्केट में नहीं मिल रही वो किताब यहाँ मिल रहा है। कितने को ये मुझे याद है कि कोई अफसर MCD का आए थे, वो कहें कि मैं यहाँ से पढ़कर मैं अफसर बना हूँ। ये मार्केट बहुत पहले की बात है, ये मार्केट लगनी चाहिए। जो किताब मुझे कहीं नहीं मिलता था वो यहाँ मिलता। आज भी IAS की तैयारी के लिए बच्चे किताब यहाँ ढूंढने आते हैं, बल्कि मेन मार्केट में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी सस्ती मिलती है और सही किताब मिल भी जाती है। मार्केट आया, हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। बुक्स लेने आए थे, नई सड़क पर भी कई शॉप्स बंद हैं और यहाँ पे भी कई सारी शॉप्स बंद हैं। हम नागलोई से आए हैं, अभिषेक नाम है, फार्मेसी बुक लेने आए थे, बी फार्मेसी।
बुक मार्केट तो यहाँ लगभग 40 साल हो गए, हमें तो यहाँ लगभग 18 साल हो गए लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप रोजगार लोगों का छीन गए यहाँ पे, तो इससे क्या दिक्कत है? अरे सर बड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या नाम है आपका? नबी अहमद। नबी अहमद? अहमद जी। अच्छा, तो जैसे आप देख रहे हैं लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, लौट जा रहे हैं, आके परेशान हो गए फिर वापस चले जा रहे हैं। और आप लोगों का भी रोजगार छीन गया, रोजगार का असर बड़ी तरीके से खर्च पर कैसे चल रहा है? आप देख लीजिए सर, ऐसे किसी तरह से किराए पे लेके काम कर रहे हैं। किराए पे आपने ले लिया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अब दिक्कत क्या है, अब ये पटरी से बाहर लगा दें तो कमेटी वाले उठा लेते हैं, आके परेशान कर रहे हैं बार बार। हम लोग यहाँ के जो मार्केट वाले हैं, हमें बुलाया गया है, हम लोग नेशनल वर्कर फेडरेशन से हैं। अच्छा। हाँ, तो इनकी लड़ाई तो काफ़ी टाइम से ये हटे हुए हैं। आज MCD हटाने के लिए आए, लेकिन MCD ने जो मतलब कि बिना सबूत के बिल्कुल पूरा आगे हटाए जा रहे हैं, ना तो उन्होंने कोई ऑर्डर दिखाया। जब यहाँ के वेंडर बोल रहे कि भाई हमें ऑर्डर दिखाओ, ऑर्डर के तहत हटाए, प्रक्रिया जो है कानून प्रक्रिया आप फॉलो करो तो जो बताया गया दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है MCD को हटाने का आदेश, तो यहाँ का तो ऑर्डर ही नहीं है सर। ऑर्डर अगर आया है वो कबाड़ी बाजार का, तो यहाँ का ऑर्डर कोई नहीं है, लेकिन वहाँ के ऑर्डर के साथ साथ यहाँ को भी पूरा रिमूव किया जा रहा है। ये तो हेरिटेज मार्केट है, 40-50 साल से मार्केट लगती आई है यहाँ पे, तो बुक मार्केट है जो कि बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी IAS ऑफिसर बने यहाँ से, तो ये यहाँ का इसको तो अलग से इसका स्पेस बना हुआ है। जो 2014 में जो कानून बनाया है, कानून में तो अलग से इसके लिए प्रावधान है कि इसको बहुत अच्छे से बनाया जाए, लेकिन यहाँ बनाने के बाद तो अलग है कि इनको तो हटाया, बिल्कुल रिमूव किया जा रहा है, पूरे एक्ट से बाहर हटाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? सुमित नाम है मेरा सर। आप भी, आप कहाँ से हैं? मैं ही मार्केट से हूँ, वेंडर हूँ मैं मार्केट से। अच्छा, क्या आप की क्या समस्याएं अब देखने मिल रही है जिस तरीके से हटाया जा रहा है? समस्या क्या है, ये यही है कि समस्या की जो सुभाष मार्ग है वहाँ पे जो ऑर्डर आया है वो कबाड़ी बाजार के लिए आया है, उनके केस में आया है। हमें MCD ने ज़बरदस्ती उसमें पार्टी बना करके घुसेड़ दिया कि भाई ये आपके ऊपर भी लागू होगा, और साथ साथ नेताजी सुभाष मार्ग के साथ साथ आसफ अली रोड भी पूरा बंद कर दिया उन्होंने। और जो लोग जिनका बाज़ार खुद ऑथराइज है, हमारा बाज़ार ऑथराइज बाज़ार है, और आज हमें इंक्रोचर कहा जा रहा है, मतलब हमारी जो MCD अगर आप एक्ट के हिसाब से भी चलोगे तब भी हम इंक्रोचर तो है नहीं। अगर मैं नेशनल वर्कर फेडरेशन से हूँ, मोहित वलेचा, ऑल इंडिया यूथ वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोगों को इन लोगों ने बुलाया है। पिछले हफ्ते भी हमारी फाइट हुई है पुलिस से और MCD से, आज भी सुबह हम 9 बजे से लेके इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मेन हमारी ये मांग है, अगर आपके पास कोई ऑर्डर भी है तो आप उसकी कॉपी हमें दीजिए, आप बकायदा नोटिस लेके आइए अगर आप हटाने आते हैं तो। MCD से सिर्फ हमारी ये मांग है, लेकिन MCD उस चीज़ को मानती नहीं है, बकायदा पूरी गुंडागर्दी से सामान इनका उठा के लेके जा रही है, और पुलिस उनके साथ में और हरेसमेंट करती है। कोई आदमी वीडियो भी बनाता है तो उसका फ़ोन छीन लिया जाता है कि आप वीडियो नहीं बनाइए, क्यों? क्योंकि आप चोरी कर रहे हैं ना, इस वजह से। किस तरीके से हरासमेंट आप लोगों के? हरासमेंट इस तरीके से है कि आप अगर दुकान लगा के बैठे हो तो सबसे पहले पुलिस को भेजेंगे, हटाओ हटाओ, नहीं हटाएंगे तो उनका माल जब्त कर लेंगे। क्या ये लोग क्या RDX बेच रहे हैं, क्या गांजा बेच रहे, चरस बेच रहे, क्या बेच रहे हैं? किताबें ही तो बेच रहे हैं। आप इनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करते हो, जिनके पास राइट्स है, जिनके कानून बने हुए हैं। 2014 में एक्ट पास हो चुका है, उसके बाद हर स्टेट को रूल और स्कीम फ्रेम करने को बोला था, दिल्ली सरकार ने रूल भी बना दिया, स्कीम भी बना दी है, और मेन पावर जो दी गई है एक्ट के हिसाब से वो TVC को दी गई है, टाउन वेंडिंग कमेटी। MCD के पास डायरेक्ट कोई पावर नहीं है कि वो आके एविक्शन कर सके। फिर भी हमने बोला कि चलो अगर मान लो आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, तो आपको दिल्ली सरकार की जो स्कीम है उसके अंदर Chapter 6 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि तरीका क्या है, मैनर क्या है, आप अगर एविक्शन करते हैं किसी का या माल जब्त करते हैं तो उसका मैनर क्या है, वो साफ साफ लिखा हुआ है। हम सिर्फ उनसे ये डिमांड करते हैं कि आप उस प्रक्रिया को फॉलो कर लीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो प्रक्रिया क्या होती है उनकी, सीधा ट्रक ला के रोकते हैं, इनकी किताबें उठाते हैं, डालते हैं और लेके जाते हैं। और हम लोग जब आवाज़ उठा रहे हैं सुबह से, तो पुलिस क्या करती है, हम 6 लोगों को थाने ले जाके बिठा देती है और हमें नज़रबंद कर दिया जाता है, और सीधा कहा जाता है कि जब तक बाहर कार्रवाई हो रही है आप लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सर मैं आई एम फाउंडर दिस बाजार, मेरी एज 82 है, मैं KR नंदा, मेरे आज बच्चे लगा रहे हैं, हमारे को 7 टाइम्स यहाँ से उठा दिया गया, जिसके लिए पूरी फाइट की, सुप्रीम कोर्ट में हमने रिट डाली, वहाँ से हमारे को ऑर्डर मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? हिंदुस्तान का सब वेंडर्स और नॉन वेंडर जो कबाड़ी बाजार है उनको उठा दिया जाए, ये बाजार एजुकेशन का नहीं हटेगा, ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। क्योंकि खुशवंत सिंह ने हमारे को यहाँ पर आकर कहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर
जगह छान मारी, उसको बुक्स नहीं मिली। तो यहाँ जब उसको बुक्स मिली तो खुशवंत सिंह के हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज पे फुल कलर उसके कमेंट्स क्या थे कि ये सोने की चिड़िया का बाजार है, एजुकेशन इसको नहीं हटाया जाए। उसके बाद में हमारे पास इतने ऐतिहासिक हैं। अब ये इन्होंने वेंडर और नॉन वेंडर हमारे पास 13 का है, 13 से लेकर के 7 साल के बाद 1 मिनट में टर्मिनेट। और हमने उनको जवाब दिया DC साहब को, मैं गया क्या, हम आपको दूसरी जगह देते हैं, भाई क्यों देते हो, हमारे को यही दो। हमने कहा चलो पोलाइटली समझा, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है। हमारे को 6 टाइम जगह दिया, हमें पसंद नहीं आई। रामलीला मैदान दे गया, हनुमान मंदिर यहाँ स्मैकिंग है। हमने जो स्टूडेंट्स आते हैं, एजुकेशन लोग आते हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, तो उनको हम अपने फ़ायदे के लिए। फिर उन्होंने हमारे को बाल भवन दिखाया, बाल भवन दिखाया, हमें सेलेक्ट करा। वो कहते हमारे अंडर में है, वो भारद्वाज जी जो कमेटी के सबसे बड़े हैं, उन्होंने कहा और आकर के ना हमारे को फोटो खींच के कल हम DC को बुला रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं और आपको जगह देते हैं। और शुगर मॉर्निंग बता दिया। तो जब 7 टाइम से ये बाजार नहीं लग रहा, ये बच्चे पूरा हफ्ते किताबें खरीदते हैं और संडे को जब बेचते हैं तो इनका चूल्हा जलता है। और सात टाइम में इनको ये नहीं पता कि 1 लाख आदमी ये हर एक संडे को आता है। उसके बाद में जब ये वीडियो आज तक में पूरा फैला तो उसमें अंदर बुक्स रही बम्बे कलकत्ता मद्रास इंग्लैंड से भी, वो बोरियां भर भर के ले। ये जो चैन चली है 1 लाख की नहीं, कम से कम 50 लाख की जाकर के ये वहाँ पर हेल्प होती है। गरीब आदमी 500 की किताब यहाँ पर 100 रुपये में आलिए में रहता है, वो पढ़ाए। ये मीडिया ये जो ये कर रहे हैं, मतलब कि ये एजुकेशन का गला घोट रहे हैं बच्चों का। अमीर आदमी तो पढ़ लेगा, उसको क्या है। और आप भी कहते हो कि भविष्य कौन सा IAS बनेगा और कौन सा साइंटिस्ट बनेगा, उसका गला घोट रहे हैं, वो कहाँ से बनेगा। एक मिनट, सरकार इस पे कुछ नहीं करेगी, आप लोग क्या सरकार के ऊपर किस तरीके से दबाव डालेंगे। करना हमें सुप्रीम कोर्ट है, हमने बात कर रखी है, पहले हम इनसे वाइट करेंगे, DC से वाइट कर, कमिश्नर के पास भी गए, उन्होंने भी कहा। लेकिन क्या बेवकूफ बना रहे हैं, क्या है कि हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, दिखाओ ना ऑर्डर। ऑर्डर नहीं दिखा रहे हमारे को तो ऊपर कमिश्नर। अरे कमिश्नर था, आप कोई वाइट करता है, कोई वो मारता है तो आप ऑर्डर देते हो। ये लॉ है कि आपको हटाने से पहले हमारे को नोटिस चाहिए और आपको 15 दिन के बाद हटा दी, क्यों फाइट है फाइट। वो तो वो एड्रेस नहीं दिखा रहे, इसलिए आई फाइट करे। सबसे पहले मैं गाड़ी में MCDK में चढ़ गया, चलो यहाँ पर मैं रेस्ट होऊंगा, तो मेरे को ले गए डाल ले करके और पूरा घुमा करके। मैंने कहा आप बच्चे को मत घुमाओ, एक छोटा बच्चा होता है ना, 2 दफ़ा 5 दफ़ा घुमाओगे तो चक्कर का गिर जाए। मेरे को तो 100 दफ़ा आई एम बिलोंग फ्रॉम आर्मी जस्ट यू टेल मी। तो फिर क्या है, वो किताबें मैंने किताबों को मत हाथ लगाओ, DC की कुर्सी हिला दूंगा मैं। आप हमने सबसे ये कह रखा, जितने भी कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, हमारे को अरेस्ट कीजिए, नहीं तो हमारे को ऑर्डर दिखाइए, फुल अपॉइंट। अब आप लोग क्या करेंगे, क्या हम देखिए हमारा ये है कि हम धरना देंगे। कमिश्नर के पास भी गए थे, उन्होंने भी कहा था हम बात करेंगे, लेकिन उसको उस दिन टाइम नहीं मिला। उसके बाद सब कुछ फाइट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से गया, जो वकील हमने कर रखा है उसके बाद में फाइट करेंगे। एप्लीकेशन दे दिया, साइन करवा के ले लिए हम, उस आर्डर दो ना किस बेस पर फाइट करेंगे हम, वो नहीं देते, अब हम ले लेंगे। अब थाने को हमने दे दिया ना, FIR करवा करके वो करवा दी, उसकी रिसीपा भी ले ली, उस बेस में करेंगे हम, उसके लास्ट पॉइंट है वो, फिर हम फाइट करेंगे। हम लगाएंगे तो यही लगाएंगे, मरेंगे तो यही मरेंगे। दूसरी जगह पे जाने पे 5 साल चाहिए मगर जमाने के लिए, तब तक तो मर जाएंगे गरीब आदमी। पहले तो 1-2 आता था, कोई बात नहीं, उसमें हमने कलेक्शन करके आज 274 वेंडर्स आ गए हैं और 1 लाख स्टूडेंट्स आता है, कहाँ कहाँ से आता है, इतने पैसे करके क्या आता है। तो हमारे को ये बाज़ार यहीं पर रखना। 50 साल से दरियागंज में या बुक मार्केट जो है लगा करता था, जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से अलग अलग प्रदेशों से भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ तक कि विदेशी भी आते थे और संडे बुक मार्केट में बुक खरीदते थे, जहाँ पर हर तरीके की किताबें मौजूद होती थी, प्रेमचंद के उपन्यास से लेकर के चेतन भगत तक की उपन्यास की किताबें से लेकर के अलग अलग किताबें, चाहे बच्चों की किताबें हों चाहे बूढ़ों की किताबें हों, सब तरीके की किताबें मिलती थी। उस मार्केट को बंद कर दिया गया है। आपने देखा कि मार्केट बंद होने से किस तरीके से रोजगार का संकट पैदा हो गया है और इससे उन्होंने अपना दुख दर्द बयां किया, जो वो आपने देखा। इसी तरीके से और भी खबरों के साथ बने रहिए फोरमपुर के साथ, मैं प्रभात कैमरा पर्सन जयदीप के साथ।